बारह साल से कोई ड्रेजिंग नहीं हुआ है। ये गवर्नमेंट ड्रेजिंग ही नहीं कर रही है, इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है। जब भी जरूरत पड़ती है तब कुदरती ड्रेजिंग भी होता है और सरकार भी ड्रेजिंग करती है। लाज बनाने में कम से कम 2-3 हजार तो आदमी मांगता ही है, उसको सबको फायदा होता है। हम इस वक्त भुज से करीब 60 किलोमीटर के फासले पर मांडवी नाम के इस छोटे से शहर में हैं। ये शहर समंदर किनारे बसा है और बीते 400-500 सालों से ये शहर जाना जाता रहा है शिप बिल्डिंग इंडस्ट्री के लिए। यहाँ पर बड़े बड़े जहाज बनाए जाते रहे हैं, लेकिन हाल के सालों में ये उद्योग अपनी अंतिम सांसें गिन रहा है। मांडवी में जिस जगह रुक्मावती नदी अरब सागर में जाकर समाहित होती है, वहाँ अब से कुछ दशकों पहले इस जैसे जहाजों की कतार नजर आती थी। काठ के बने इन जहाजों को ढो कहते हैं। ये जगह भारत में ढो के निर्माण का एक बहुत बड़ा केंद्र था। मांडवी को पश्चिम एशिया और अफ्रीका का प्रवेश द्वार माना जाता था। यहाँ तैयार हुए जहाज दुनिया भर के समंदर के चक्कर काटते थे, लेकिन आज यहाँ गिनती के जहाज ही देखे जा रहे हैं। ये जहाज उन आखिरी जहाजों में से एक है जिनका यहाँ निर्माण हो रहा है। हम इस वक्त ऐसे ही एक निर्माणाधीन जहाज के भीतर हैं और ये जो एरिया आप देख रहे हैं ये कार्गो होल्ड एरिया है। यहाँ पर जो माल ढुलाई के लिए आता है उस माल को यहाँ पर स्टोर किया जाता है, यहाँ रखा जाता है। और पीछे की तरफ आप जो काम होते हुए देख रहे हैं वो इंजन रूम्स का काम वहाँ पर हो रहा है। दोनों ओर जो है एक एक इंजन वहाँ पर फिट किए जाएंगे। आमतौर पर इस जैसे जहाजों को बनने में कम से कम 3 साल का समय लग जाता है, लेकिन पैसे और मैन पावर की कमी की वजह से अब इस तरह के जहाजों को तैयार होने में सालों साल लग जाते हैं। जहाजों के निर्माण के लिए म्यांमार, मलेशिया और इंडोनेशिया जैसे देशों से लकड़ियां आयात की जाती हैं। इसके अलावा गुजरात के बबूल पेड़ की लकड़ी का भी इस्तेमाल होता है। किसी जमाने में 2000 टन तक के जहाज यहाँ बनाए जाते थे। मांडवी में जहाज निर्माताओं के संगठन के अध्यक्ष आदम सिद्दीकी थैम के मुताबिक अब से चंद दशक पहले तक आसपास के गांव से खारवा समुदाय के हजारों लोग इस व्यवसाय से जुड़े हुए थे, लेकिन इस उद्योग की बदहाली देखते हुए कईयों ने दूसरा रोजगार ढूंढ लिया। ये उद्योग अब खात्मे के कगार पर है। मरण पत्थर ही भी हमारा जहाज है, वो अभी मरण पत्थर ही भी है, क्योंकि गवर्नमेंट पहले लोन देती थी, लॉन्च तैयार हो जाए उसके बाद उसका ब्याज चढ़ता था। अभी लोन बंद कर दिया और हमको उद्योग में नहीं लेता है, क्योंकि हमको उद्योग में लेगा तो सब हमको मदद करेगा, अभी उद्योग में भी नहीं लेता है। इसके लिए लॉन्च धीरे धीरे खत्म हो रहा है और मटेरियल भी महंगा हो रहा है। डीजल पहले सब्सिडी से मिलता था, अभी डीजल का भाव किधर गया? और डीजल अभी इंडिया का डीजल देवेंगे तो हमारा कपड़ा उतर जाता है। हमारे डिमांड है कि हमारे लॉन्च बनाने के लिए विदाउट ब्याज पहले लोन मिलती थी मैरीटाइम बोर्ड से, वो मिले। और हमारा बंदर का जो काम है रिपेयरिंग का, वो बंदर को मांडवी बंदर के थोड़ा आगे ले जाने का है, मुंद्रा बंदर में ड्रेजिंग करने का है और मांडवी में भी ड्रेजिंग करने का है, तो एक्सपोर्ट इम्पोर्ट का सब काम चालू हो जाएगा। जहाज निर्माण को सस्ते लोन उपलब्ध कराए जाएं और डीजल में सब्सिडी दिए जाने के अलावा इनकी सबसे बड़ी मांग है कि सरकार मांडवी के तट पर ड्रेजिंग करवाए। ड्रेजिंग का अर्थ होता है समुद्र की तलहटी से मशीन के जरिए कीचड़ का निकास। कीचड़ की वजह से पानी की गहराई कम हो जाती है और बड़े बड़े जहाज धंस जाते हैं, उन्हें नुकसान पहुंचता है। पहले मांडवी बंदर बहुत पुराना ऐतिहासिक बंदर है, अभी इसका कोई वजूद नहीं रहा, कोई इधर कोई सहूलत नहीं है और लाज भी आ नहीं सकता है अंदर, क्योंकि 12 साल हो गया यहाँ कोई ड्रेजिंग नहीं हुई। भगवान भरोसे है, कभी नदी आती है पूरा जोरदार बरसात होती है तभी थोड़ा चैनल साफ होता है तो एम्प्टी लॉन्च आ सकता है, बाकी इधर से अभी लोडिंग लॉन्च कभी नहीं जा सकता है। तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। चुनावी मौसम में तमाम राजनीतिक पार्टियों को इन जहाज निर्माताओं की सुध आई है। कांग्रेस इनकी बदहाली के लिए राज्य और केंद्र की बीजेपी सरकार को जिम्मेदार ठहरा रही है। यहाँ समुन्द्र में ड्रेजिंग की बहुत समस्या है, बार बार रेती भर जाने के वजह से यहाँ पे जो जहाज बनाते हैं वो जहाज किनारे पे नहीं आ पाते हैं, तो बार बार ड्रेजिंग करनी पड़ती है। ये गवर्नमेंट ड्रेजिंग ही नहीं कर रही है, इसका परमानेंट कोई सोल्यूशन नहीं हो रहा है, तो तट पर जहाज नहीं आने की वजह से वो उद्योग अभी नामो निशान उसका मिट गया है। उधर बीजेपी का तर्क है कि जहाज उद्योग की बदहाली के पीछे बदला हुआ वक्त जिम्मेदार है। दुनिया भर में लकड़ी के बने जहाजों की मांग घटी है। पुराने जमाने में
जो जब आधुनिक तकनीकी वेसल्स नहीं चल रहे थे उस टाइम पे लकड़े की शिप चल रही थी और उसका निर्माण का कार्य मांडवी में होता था। फिर भी मैं यहाँ बताना चाहूँगा कि गत साल में चार अच्छी सी 2,000 टन से 500 टन से 2,000 टन तक की कैपेसिटी बिल वाली शिप का निर्माण हुआ है। और रही बात युगानुकूल परिवर्तन की, उस टाइम पे क्या कार्गो का परिवहन था वो खुले में किया जाता था, अब कंटेनर में हो रहा है, उस टाइम पे खुला होता था अब बैग पैकिंग हो रहा है। तो युगानुकूल परिवर्तन होता है। तो यहाँ पे भी बंदर बना है, जब पार्टीशन नहीं हुआ था तब मांडवी का बंदर था, तो वहाँ से आवागमन होती थी और ये कास्ट काफी का जो लकड़ी का जहाज थे वो चलते थे, मगर आज भी वो बन रहे हैं, मगर उसका जो उपयोग है वो पूरे विश्व में कम हुआ। जब भी जरूरियात पड़ती है तब कुदरती ड्रेजिंग भी होता है और सरकार भी ड्रेजिंग करती है। गवर्नमेंट ऑफ गुजरात के अंदर में ये पूरा पोर्ट आता है मांडवी का और ड्रेजिंग होती है। कच्छ की मांडवी सीट पर कांग्रेस और बीजेपी के बीच कांटे की टक्कर होते आई है, लेकिन इस बार मामला चौतरफा होगा क्योंकि मैदान में आम आदमी पार्टी और AIIMIM भी उतरी हैं। कैमरामैन सचिन शिंदे के साथ जितेंद्र दीक्षित, मांडवी।